देखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो सचखंड श्री दरबार साहब जी के दर्शन मैं 6 साल बाद किए तो ये महाराज का जो सदा उदा करके इतने आप पहुँचे हैं। तो जो भाई दीप सिद्ध का सुपना से जो संघर्ष करते हैं शहीद होया उस संघर्ष को अगे तोरन लिए पंजाब की खुदमुख्तियारी लिए पंजाब की आजादी के संघर्ष लिए बंदी सिंघा के संघर्ष लिए पंजाब के हर एक मुद्दे के संघर्ष लिए साड़ी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ते होर जिहड़ियां जथेबंदियां जिहड़ियां साडे नाल मिल के चलना चाहुंदियां ने उहनां नाल मिल के असीं पंजाब दे विच संघर्ष करांगे। तो इहो ही साडा मकसद। मौत की गल की जाती है भाई मेरे हर बार कि मौत खतरे च कि लगता कि वाकई ही डेमोक्रेसी में मौत पूरी तरह खतरे च है और जिस तरह के हालात पंजाब ते नज़र आ रहे हैं कि लगता है कि वाकई कुछ ना कुछ वक्रा इनिशिएटिव लैण दी जरूरत है। देखो डेमोक्रेसी जिहड़ी रीयल डेमोक्रेसी होंदी है जी असल जमहूरीत है असं जो 15 तरीक की दिहाड़ा मना रहे हैं असं उत्थे भी दिखाउणा है भी असल जमहूरीयत हुंदी की है जिथे लोगों के जिहड़े फैसले उहदा सत्कार किया जाता है। किन्ने समय तो असी मंग कर रहे हैं श्रोमणी कमेटी इलैक्शन होण पर लोगों के फैसले के उल्ट जाके जमहूरी ढंग में रोकया गया। फिर उसके बाद जिहड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया अजे बहुत सीखने की लोड़ है भी जिहड़ी रीयल वर्ल्ड डेमोक्रेसी है वो मनोरिटी के राइट किवें प्रोटेक्ट कर दी मनोरिटी को किवें प्रिविलेज देनी है। साडी जिहड़ी होंद है उसकी हालत तो यह है कि तुम अमृतसर के अमृतसर साहब के इतों तुर पाओ तो तुम राह पंजाबी थले तो हिंदी उपर मिलती है। सो ये हुण तो अमल है कई बंदियां वास्ते गल बड़ी नॉर्मल हो सकती है पर जिहड़ी कौम अपनी बोली अपना कल्चर अपना विरसा अपनी विरासत सभ्यता नहीं सामभ के रख सकती उसकी होंद का बचना मुश्किल है। सो साडी तो लड़ाई यह है भी असी पंजाब के ये सारी जिहड़ी विरासत है इहनू सामभ के रखा। लोकसभा के एक सांसद ने कहा है पिछले जे कि पंजाबी जिहड़ी आ स्क्रिप्ट है ना कि बोली तो केंद्र सरकार जिहड़ी बोलियां नूं जिहड़ा बढ़ावा देने वास्ते हुण एक नवा अभियान चलाउण जा रही है तो पंजाबी बोली नूं स्क्रिप्ट कह रहे बोली नहीं कह रहे तो इहदे इहनूं मानता दिवाउण वास्ते वास पंजाब दे की उपाले जी। देखो पहलां तो उन्हां दी जानकारी मेरे ख्याल नाल अधूरी है। पंजाबी बोली ये एक दिन च किसी ने तैयार नहीं की। पंजाबी बोली पंजाबी पंजाबी सूबा भी हैगा पंजाबी कल्चर भी हैगा तुसीं दसो हिंदी सूबा कि हिंदी कल्चर कि। सो इस करके पंजाबी संपूर्ण बोली है ये सदियों के विकसित ये साडे बजुर्गों ने अपना लहू बहा के इस बोली नूं बचा के रखिया। सो जिहड़ा बंदा यह कहिंदा भी पंजाबी कल्ली स्क्रिप्ट है गुरमुखी पंजाबी बोली की स्क्रिप्ट है तो गुरु साहब ने गुरमुखी जिहड़ी लिपि है उहनूं संपूर्ण किया है पूर्ण तौर पर। सो उहदे विच कोई कमी नहीं पंजाबी दुनिया दियां हरेक भाषा जिहड़ी है उहनां तों सुखाली है उहनां तों सौखी है। पंजाबी दे विच शब्दां दी रिपीटेशन बहुत घट है एक चीज़ के दो शब्द बहुत घट मिलते हैं। सो सानू यह समझना चाहिए भी जिहड़े बंदे इहो जिहे बयान देंदे ने उन्हां नूं जानकारी लैणी चाहीदी। कानूनन तौर पर असीं देखो जी दर्जा दिवाउण नहीं असीं पहली गल तो संघर्ष का इहनूं हिस्सा बनावांगे ये क्योंकि ये कल्ला कानूनन तौर की मानता तो गल नहीं हैगी ये साडे लई ये जरूरी है होण दे मसले नाल जुड़िया हुआ मसला है। सो असीं कानूनी तौर पर जो भी प्रक्रिया होगी कानून की कोर्ट की वो तरीके असी इन मानता दवा। सिमरनजीत सिंह मान वालों जो बयान दिता गया कि जनरल साहब में लैके जोशी साहब में लैके अज बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि बहुत मंदभागा बयान है इस तरह के बयान नहीं होना चाहिए जिस वर्जी ने भी श्री साहब पाया हो जनरल पाया हो हमेशा किसी की रक्षा कर सकता है ना कि किसी को मार सकता। भाई वडाला ने भी नहीं जनेऊ ने किवें रक्षा की जा नहीं मान साहब का बयान दुरुस्त है मान साहब का बयान दुरुस्त है जिन्हें वो हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है सानू उस तो कोई इतराज नहीं सिखा का धार्मिक चिन्ह गातराज श्री साहब है किसी इस तो इतराज नहीं होना चाहिए। सिखा के उत्ते बार बार हमले कई बार हिंदू जथेबंदियां रल के कोर्ट च रिट पाउंदियां ने भी इन्हों पाबंदी लाई जाए। सो इस तरीके दे नाल एक मिनोरिटी होने के बावजूद साडे कोल जिहड़ा आत्म रख्या का एक साधन है साडे गुरु साहब ने बख्शी हुई कृपान है हिंदुओं को तो गुरु साहब की इस बख्शी हुई कृपान का सत्कार करना चाहिए। बाकी जनेऊ जिहड़ा है जनेऊ आत्म रख्या का साधन जनेऊ धार्मिक मानता ना जुड़िया साडा जिहड़ा चिन्ह है वो कल्ला धार्मिक मानता नहीं जुड़िया आत्म रख्या का भी साधन। लेकिन नहीं एक्चुअली ये जी रेट पाई हिंदू जथेबंदियां ने पाई सी कोर्ट के सिमरनजीत सिंह मान का जो बयान है देखो जे तो मिनोरिटी के उत्ते इस तरीके का हमला होंगे उन्होंने धार्मिक चिन्ह से पाबंदी लाई जा रही है तो असी तो सिर्फ एक कह रहे हैं भी तुम एक बार करके देखो तुम फिर तुम्हें पता लगेगा मजोरिटी किमें रिएक्ट करती है। सो सिखा दावनावान बार बार खिलवाड़ करना तो उन्होंने कुछ समझना ना इस करके मान साहब ने दोवे चीज़ों का कंपेरिजन कहा गया कि
देखो जी किन्ने प्लेन के डोमैसटिक फ्लैश के रोज़ सिख जाते हैं, तुम दसो मैं एक हादसा हो सो ये बहाने बनाने। सिख आत्म रख्या करता अपनी तो मजलूम की, सिख किसी पर हमला नहीं करता। सो ये सिर्फ बहाने ने सिखा के धार्मिक च निशान चिन्ह निशाना बना के सिखा निहत्थे करके उन्होंने मारन। लेकिन अकाली दल बिक्रम सिंह मजीठिया कह रहे हैं बहुत वो देखो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जो भी कहते हैं ना वो कहते हैं भी दिल्ली में किमें खुश करना है। तो साडा मकसद दिल्ली में खुश करना नहीं है, साडा मकसद गुरु गोबिंद पातशाह महाराज को खुश करना है। संत जरनैल सिंह जी कहते हैं मेरा रुसे ना गलगियां वाला जग भावें सारा रुस जाए। सो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया होनी होर किसी को मनाना चाहते हैं, असं संतान को मनाना है, असं गुरु गोबिंद पातशाह को मनाना है। साडे लिए धार्मिक चिन्हों से कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरा नाम सरदार गोविंद सिंह हैगा, मैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का जथेबंधक सकत्र हैगा। अज असी जिला जथेबंदी ते जनरल सैकटरी साडे पार्टी दे सरदार हरपाल सिंह बलेर समेत वारिस पंजाब दी जथेबंदी समेत वारिस पंजाब दे जिहड़े हुण नवें मुख सेवादार हैगे आ सरदार अमृतपाल सिंह जी, वह दुबई तो कल रात नूं अज सवेरे दुबई तो इत्थे राजा सांसी हवाई अड्डे ते उतरे सीगे। उन्हां दा स्वागत करन वास्ते ते उन्हां नाल गुरु साहब कोले आके नतमस्तक होण वास्ते ते गुरु साहब दा कोटनी कोट शुकराना करन वास्ते असी अज इत्थे पहुंचे हैगे। ते